बीकानेर शहर में रसद विभाग की ओर से हो रही कार्रवाई से अवैध रूप से सिलेंडर रिफिलिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। रसद विभाग अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और बुधवार को भी रसद विभाग की टीम ने नथुसर गेट के पास एक बाड़े में छापेमारी की, जिसमें 16 सिलेंडर सहित एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और गैस भरने की मोटर जब्त की गई। रघुवीर बिश्नोई नाम का व्यक्ति है जो यहाँ रिफिलिंग का कार्य करता है और इसमें हमें यहाँ 16 सिलेंडर, जिसमें से एक HP का है, बाकी सारे इंडियन की हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक मोटर, ये हमने यहाँ से जब्त।